इनवॉइसिंग रूल्स अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर अनेक प्रकार की इनवॉइसेज होती हैं, उनकी टाइम लिमिट्स क्या है, वो कब इशू की जा सकती हैं, कौन व्यक्ति किस तरह की इनवॉइस को इशू कर सकता है, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सीए प्रभाकर गुप्ता, सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, GST के अंदर इनवॉइसिंग का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं और अगर आपने प्रॉपरली इनवॉइसिंग नहीं की है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आगे चल के परेशानी हो सकती है। हमने अपनी वीडियोज में पहले बताया भी है कि यदि आप इनवॉइस प्रॉपर नहीं कर सकते तो इवन आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती है, आपके यहाँ रेड भी पड़ सकती है। तो इनवॉइसिंग सबसे पहले हमें जानेंगे कि कितने प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनवॉइस इन द जीएसटी रिजीम। तो जीएसटी में आपकी पहली बात यह है कि दो तरह की इनवॉइस होती है। पहली होती है आपकी टैक्स इनवॉइस और दूसरी होती है आपकी बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस क्या है? टैक्स इनवॉइस इशूड व्हेन ए रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, इट इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि टैक्स इनवॉइस कब है? टैक्स इनवॉइस होती है जब एक रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की। दोस्तों, जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो टैक्स इनवॉइस जनरेट की जाती है। मीन्स यदि मैं रजिस्टर्ड हूँ और मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ और अगर आप भी रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में टैक्स इनवॉइस जनरेट की जाती है और इट इज मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेने के लिए ये मैंडेटरी होती है, यानी कि बिना इस टैक्स इनवॉइस के आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले सकते। तो यदि हम इसे सिंपल भाषा में बात करें तो यदि बी टू बी सप्लाई है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है, रजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई होती है, चाहे वो गुड्स की हो या सर्विसेज की हो, उस केस में टैक्स इनवॉइस जनरेट की जाती है। अब हम बात करते हैं बिल ऑफ सप्लाइज की। बिल ऑफ सप्लाई इशूड व्हेन ए रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइज जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और वेयर द सप्लाई इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो बिल ऑफ सप्लाई कब इशू होगी? जब रजिस्टर्ड डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करता है या वह कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तब वह अपनी सप्लाई करता है। तो यदि आप एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचते हो या आप सर्विसेज देते हो या आप एज ए कंपोजिट डीलर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी के अंदर तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई ये हमें कब इशू करनी चाहिए? तो टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स की। इफ इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कि यदि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है और यदि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो यदि गुड्स का मूवमेंट होता है तो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई टू द बायर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। यदि गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो जब आप माल को रिमूव कराएंगे अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, अपने गोडाउन से, तो उससे पहले आपको टैक्स इनवॉइस जनरेट करनी होगी। और यदि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी ऑब्लिक हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू द रिसिपिएंट। यानी कि कई बार आपने देखा होगा ऑन साइट इंस्टॉलेशन होती है कि आपने साइट पे जाकर के इंस्टॉल करना है, या कई बार बिल टू शिप टू का प्रोविजन होता है। बिल टू शिप टू के ऊपर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो भी देखी होगी। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। तो यदि गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो यानी कि गुड्स का मूवमेंट मतलब फाइनल गुड्स अभी सप्लाई नहीं हो रहे, कुछ पार्ट्स आ रहे हैं, तो ऑन और बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी और हैंडलिंग ओवर द गुड्स टू द रिसिपिएंट। तो जब आप रिसिपिएंट को हैंड ओवर कर रहे हो या डिलीवरी दे रहे हो उससे पहले आपको इनवॉइस जनरेट करनी होगी। अब हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज की। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आपको इनवॉइस कब जनरेट करनी होती है? द टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। यानी कि जब आपने सर्विसेज दी है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको इनवॉइस जनरेट करनी होती है। तो सब सर्विसेज के केस में आपको सर्विस देने से पहले इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है, सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको इनवॉइस जनरेट करनी है। एंड इफ द सप्लायर इज ए बैंक और एन इशुअर देन मस्ट बी इशूड विद इन 45 डेज। यदि जो आपका सप्लायर है बैंक है, जैसे बैंक वाले बैंक चार्जेस लेते हैं, तो एक तरह से
वो उसके ऊपर जीएसटी भी वो चार्ज करते हैं, तो उस केस में उनके पास 45 डेज का टाइम होता है। इसी प्रकार अगर इंश्योरेंस कंपनी है आपको वो बिलिंग करती है तो वह बिलिंग वो 45 डेज के अंदर वो इनवॉइस जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ रूल्स थे इनवॉइस से रिलेटेड, तो आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। आप यदि रजिस्टर्ड पर्सन है तो देखिए कि आप प्रॉपर इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि यदि आपने इनवॉइस को प्रॉपर जनरेट नहीं किया तो यह कंफर्म है कि आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और